तो ये है कि पहले तो 5 घंटे तक आत्महत्या रही, साहब को भी विशेष तौर पर दिखा कर इस पर चर्चा करिए और इसको बहुत ही संवेदनशील मामला है। परसों एक गांव कुटबा में हमारे बहुत ही निकटतम व्यक्ति काला, जो दलित समाज से था, पारिवारिक रूप से परेशान था, उसने सुना है आत्महत्या कर ली। 5 घंटे तक लगभग पुलिस भी बताती रही आत्महत्या है। 5 घंटे बाद मुजफ्फरनगर के सांसद के भाई वहां पहुंचते हैं, उसके बाद में वह हत्या में तब्दील हो जाता है मामला। और कल जो पीड़ित परिवार है उसने रिपोर्ट लिखवाई, 6 लोगों पर अज्ञात रूप से रिपोर्ट लिखवाई गई। हम लोग चाहते हैं इस मामले की जांच हो और सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के लिए आज डीजीपी साहब को पत्र लिखा है, ज्ञापन दिया है, एसएसपी मुजफ्फरनगर के माध्यम से भेजने का काम किया है। क्यों लगता है आपको जांच होनी चाहिए? जांच इसलिए होनी चाहिए कि शुरुआत के 5 घंटे पुलिस जिसको आत्महत्या मानती रही, 5 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि आत्महत्या हत्या में तब्दील हो गई। और उन लोगों को जो कि गांव में नहीं रहते, गांव से बाहर रहते हैं, अखबार के माध्यम से हमने पढ़ा कि उन लोगों को टारगेट करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, सियासी लोग हैं जो कि अपनी सियासत के चलते वे लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उन लोगों को फंसाया जाए जो लोग गांव से विस्थापित हो गए थे, चले गए थे, जो पीड़ित पहले 2013 दंगे में पीड़ित परिवार थे। कौन था ये मृतक? मृतक काला पुत्र खजान दलित बिरादरी से है, मेरा बहुत ही निकटतम रामदास नाम का व्यक्ति है, हमारा बहुत ही निकटतम रहा है। बहुत ही दुख हुआ। राजनीति होने की वजह क्या है? क्यों? राजनीति का कारण कहीं ना कहीं दबाव है। हम लोग चाहते थे समझौता हो, वो दोनों ओर से सहयोग मिलने के बाद में समझौता हो, दोनों लोग से दोनों ओर के जो भी इसमें पीड़ित थे या फिर जो लोग नामजद थे, आपसी मेल मिलाप से समझौता हो। लेकिन वह लोग चाहते हैं कि दबाव के माध्यम से समझौता हो। शायद लगता है समझौते को तोड़ने का प्रयास उन लोगों का है। आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है? आत्महत्या का कारण परिवार बता सकता है क्या कारण है। मैं तो पुलिस के बयान की को बता रहा हूँ जो गांव वाले बता रहे हैं। पहले 5 घंटे तक यह मामला आत्महत्या का बताया गया और उसके बाद हत्या का बताया गया। निश्चित रूप से कुछ फोन कॉल्स भी है मेरे पास जिनको मैं अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें बहुत लोग नंगे होंगे, हमारे जिले के जो बहुत बड़े बड़े सियासी लोग हैं वो लोग नंगे होंगे, मैं उसको अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक आवश्यकता नहीं होगी। जब आवश्यकता होगी निश्चित रूप से आप सब लोगों को देने का काम करूंगा। देखिए, 2 दिन पूर्व शाहपुर थाने के अंतर्गत कोटवा गाँव में एक युवक की गोली लगी, डेड बॉडी मिली थी। इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा एक अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें विवेचना के दौरान साक्ष्य संग्रह किए जा रहे हैं और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर गई थी, उसके द्वारा भी इसे एनालाइज किया जा रहा है और विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर जो कुछ निकलेगा उस तदनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मौके से ये जरूर था कि कुछ चूड़ियाँ, टूटी हुई चूड़ियाँ बरामद हुई थी, लेकिन कोई हथियार अथवा हथियार बरामद नहीं हुआ था, खोखा बरामद नहीं हुआ था, लेकिन तमाम तरह का खून, काफ़ी सारा खून वहीं मौके पर पड़ा हुआ था। और जहाँ तक फॉरेंसिक टीम ने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके हाथ पे भी ब्लैकनिंग थी और सिर में भी जहाँ गोली लगी थी वहाँ भी ब्लैकनिंग थी। तो इन सारे तथ्यों को जब तक सारी रिपोर्टें आ जाएंगी उसके बाद इसे एनालाइज किया जाएगा, जो साक्ष्य प्राप्त होंगे उसे एनालाइज किया जाएगा और जो कुछ भी सामने बात आएगी उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।